गुड मॉर्निंग गर्ल्स. बेटा आज आपकी जो वर्कशीट आई है इट इज वर्कशीट नंबर 58. डेट है आपकी 20th नवंबर. इसमें जो आपने हम पढ़ेंगे दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, आपने वॉल्यूम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है. वॉल्यूम आपने जो फिगर्स हैं क्यूबॉइड, कोन, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कॉन, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है. प्लस आपने वर्कशीट नंबर 56 में इन सबके फॉर्मूलेज भी आपको दोबारा से बताए गए हैं. 57 में हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन में इन सबका एरिया निकालना सीखा. ठीक है, तो अब आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी पता है कि कॉम्बिनेशन में फिगर हो तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं. अब फर्क क्या है इस वर्कशीट में 57 से, सिर्फ यहाँ पर आपको सरफेस एरिया की जगह क्या निकालना है, वॉल्यूम. तो सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि जो फॉर्मूले आपने सरफेस एरिया में आपने एरिया के लगाए थे, यहाँ पे आपको किसके लगाने होंगे, वॉल्यूम के. इन सब फिगर्स का वॉल्यूम आपको पता है, ये आपकी नॉन फिगर्स हैं सिंस क्लास 9th. आपने 9th क्लास में भी इनके ऊपर एक एक एक्सरसाइज पड़ी हुई है पूरी. अब यहाँ पर 10th में क्या फर्क है, आपको डायरेक्ट क्यूबॉइड का वॉल्यूम नहीं निकालना है, डायरेक्ट स्फीयर का वॉल्यूम नहीं निकालना है, इन फिगर्स का कॉम्बिनेशन है उनका आपको वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, जैसे अब आपका जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आया वर्कशीट में, उसमें क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए किन दो फिगर्स की बात हो रही है, क्यूब और क्यूबॉइड. आपको दे रखा है एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर और क्यूबॉइड में आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इट इज गिवन टू यू. आपको सिंपली क्या निकालना है कि जो इन डायमेंशन से जो क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है, उसमें से आपके अगर हम कट करें तो कितने क्यूब्स बन जाएंगे ऑफ दिस डायमेंशन 2 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होती हैं. तो तीनों एल, बी और एच तीनों कितनी हो जाएंगी, 2 सेंटीमीटर. तो इस तरह के क्वेश्चन हमने 9th में भी पढ़े हुए हैं. अगर आपको नंबर निकालना है मीन्स क्वांटिटी निकालनी है तो आपको क्या करना है, बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को क्या कर देना है, डिवाइड. आपको ये निकालना है. अब ऐसे ना आप काउंट नहीं कर सकते हो कि कितने बनेंगे, आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लर्न कर लेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स का. इट इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम पता है, इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. एंड क्यूब का भी आपको पता है, इट इज़ साइड क्यूब. ठीक है, मैंने यहाँ इसको ए से डिनोट कर दिया था, तो मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिख दिया है, ए क्यूब. बस अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए. क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको पता है 16, 12 एंड 10 और ए आपको पता है 2. ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए. 2 8 16, 2 6 12, 5 10, इट विल बी 8 6 5. इट विल बी 8 6 5 इज 30 एंड 8 30 इज 240. तो नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूबॉइड इज 240. सो दिस इज योर आंसर, इट इज 240. ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से करेंगे इसे. ठीक है, नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. इसमें आपका क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है अ सॉलिड इज ऑफ द शेप ऑफ अ कोन. एक सॉलिड है जो आपका किस शेप का है, कोन शेप का है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर. एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर रखा हुआ है कोन आपका, ऑफ बेस रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. दोनों का जो बेस है मीन्स जितना बड़ा कोन है उसी के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, जितना हेमीस्फीयर है उसके ऊपर आपने एक कोन रखा हुआ है और हाइट जो है कोन की इट इज इक्वल टू द रेडियस. ठीक है, तो अगर आर रेडियस है तो हाइट भी कोन की कितनी है, आर. और आपको इस फिगर का क्या निकालना है, वॉल्यूम. अब देखिए कौन सी दो फिगर इसमें यूज हो रही हैं, एक तो आपका कोन यूज हो रहा है और एक क्या हो रहा है, हेमीस्फीयर. तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स का. तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है, कोन क्या होता है, 1/3 πr² h. एंड हेमीस्फीयर का भी आपको पता है, इट इज 2/3 πr³. मैंने यहाँ पे r और r अलग ले लिया है क्योंकि ये कोन का रेडियस है और ये किसका है, हेमीस्फीयर का. बट दोनों सेम बेस पर हैं तो r जो है वो आपका r के इक्वल हो जाएगा, दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा.
और हाइट जो है कोन की इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस. एच इज इक्वल टू आर है तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एच की जगह क्या पुट कर दिया है आर और कैपिटल आर की भी जगह क्या पुट कर दिया है स्मॉल आर. अब आप देख सकते हैं इन सब में देखिए पाई बाय थ्री और आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा आर क्यूब और इधर और आर क्यूब ऑलरेडी है ये आपका क्या आ गया कॉमन आ गया तो अंदर यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाएगा वन और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा टू. सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ईजी है तो इट विल बी पाई बाय थ्री आर क्यूब टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री देन थ्री से थ्री कैंसिल होकर आपका कितना आ जाएगा पाई आर क्यूब. अब हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे इट इज गिवन एज वन सेंटीमीटर आर को वन पुट किया तो इट विल बी पाई सेंटीमीटर क्यूब. आप इसको आंसर को पाई में भी छोड़ सकते हैं या इसकी पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 सेंटीमीटर क्यूब तो ये आपका आंसर आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड फिगर इज पाई इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 58. आपके एग्जाम्पल इसमें सॉल्व हैं आप उसको ट्राई करेंगे और अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट 58. आप इसको कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.